जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा रीवा में 6 सितंबर से प्रारंभ होगी। जन आशीर्वाद यात्रा लगभग 206 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान अलग अलग जगह पर अलग अलग बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ नेताओं के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल रहेंगे। मंची सभाओं को संबोधित करेंगे। रीवा जिले में यात्रा का आगाज 6 सितंबर को सुबह 9:30 बजे सिमरिया विधानसभा के अटरिया से प्रारंभ होगा। 9 सितंबर की शाम को गुड़ विधानसभा के द्वार मोड़ के आगे टनल के मुहाने पर सीधी में जिले में यात्रा प्रवेश कर जाएगी। इस बारे में हमने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रीवा अजय सिंह से बात की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में हमारे सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि हम सबको विदित है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2008 से चुनाव पूर्व लगातार जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन होता आ रहा है और इन जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से हम अपने सरकार के किए गए कार्यों के दम पर लोगों का आशीर्वाद लेने का कार्य करते हैं। इस वर्ष भी 2023 में हमारी जन आशीर्वाद यात्रा का आज शुभारंभ चित्रकूट से हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने किया है। इस बार यात्रा के स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन है। इस बार पूरे प्रदेश में हमारी 5 अलग अलग यात्राएं निकल रही हैं जो सभी विधानसभाओं से होते हुए और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर भोपाल के अंदर आयोजित महाकुंभ में संपन्न होंगी। हमारे जो इस विंध्य अंचल में रीवा और शहडोल और साथ ही कुछ हिस्सा हमारा बुंदेलखंड का है यात्रा क्रमांक 1, जिसका आज शुभारंभ विधानसभा चित्रकूट के मझगवां से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा किया गया है। रीवा जिले में यात्रा का प्रवेश 5 सितंबर को रात्रि होगा। 6 सितंबर से हमारी रीवा जिले की यात्रा का विधिवत शुभारंभ होगा। रीवा जिले की यात्रा हमारे सारकिन के बगल अटरिया सिमरिया विधानसभा से शुभारंभ होगा, जो कि अटरिया होते हुए बहुरी बांध रहाट बीणा और बीणा के आगे गोदहा मोड़ में एक बड़ी सभा आयोजित होगी। उसके बाद गोदहा चचाई होते हुए सिरमौर प्रवेश करेगी। सिरमौर से आगे लालगांव बढ़ते हुए, कटरा बढ़ते हुए और नई गढ़ी तक प्रथम दिवस जाएगी। नई गढ़ी में भी एक वृहद सभा, उसके पहले कटरा में वृहद सभा का आयोजन किया जाएगा। इस तरह प्रथम दिवस में हमारी यात्रा सिमरिया, सिरमौर, मनगवां का कुछ हिस्सा, त्यौथर और कुछ हिस्सा देवतालाब, ऐसे 5 विधानसभाओं से गुजरेगी, जिसमें हमारी 4 बड़ी सभाएं होंगी। जो पहली सभा हमारी गुदहा के सिमरिया विधानसभा में होगी, दूसरी सभा हमारी सिरमौर विधानसभा सिरमौर में दीनदयाल पार्क में होगी, तीसरी सभा हमारी त्यौथर विधानसभा की कटरा में होगी और चौथी सभा हमारी नई गढ़ी में होगी। इसके बाद 7 तारीख को जन्माष्टमी है, इस वजह से 7 तारीख को यात्रा का अवकाश रहेगा। उसके बाद 8 तारीख को यात्रा पुनः हमारी नई गढ़ी से 3 किलोमीटर आगे बहुती, जो कि देवतालाब विधानसभा में है, बहुती से प्रारंभ होगी। खटखरी पटेहरा होते हुए मऊगंज में रोड शो करते हुए आगे बढ़ेगी और देवतालाब पहुँचेगी, जहाँ एक रथ सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद हमारी यात्रा देवतालाब के अंदर से इटहा कला रघुनाथगंज होते हुए मनगवां पहुँचेगी, जहाँ मनगवां में एक बड़ा रोड शो, एक बड़ी सभा का आयोजन 8 तारीख को किया जाएगा। इसके बाद हमारा रात्रि विश्राम होगा। 9 तारीख को यात्रा पुनः हमारी प्रारंभ होगी, जो कि गुड़ विधानसभा के जोगनिहाई से प्रारंभ होगी, जो जोगनिहाई से होते हुए रायपुर में एक रथ सभा का आयोजन होगा। उसके बाद पटना पहाड़िया होते हुए सगरा में रीवा विधानसभा में प्रवेश करेगी और सगरा से इटौरा सोनौरा यूनिवर्सिटी कुटेही और सिरमौर चौराहा होते हुए एनसीसी ग्राउंड पहुँचेगी, जहाँ पे एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा। तदुपरांत एनसीसी ग्राउंड से आगे कलेक्ट्रेट जयस्तंभ चौक अपना वेंकट रोड होते हुए प्रकाश चौराहा हॉस्पिटल चौराहा धुबिया टंकी गुड़ चौराहा होते हुए सब चौराहा चिरहुला होते हुए लोही तक हमारा रीवा विधानसभा रहेगा। उसके बाद पुनः गुड़ विधानसभा में प्रवेश करेगी, जहाँ रीठी भीटी महासाओं गहरी होते हुए गुड़ में एक बड़ा रोड शो और एक बड़ी सभा का आयोजन होगा। उसके बाद यात्रा वहाँ से निकलेगी बदवार और
टनल के मुहाने पे भव्य स्वागत होने के बाद 9 तारीख को शाम सीधी जिले में प्रवेश करेगी। इस 3 दिवस की यात्रा के दौरान हम रीवा जिले के अपनी सभी 8 विधानसभाओं में यात्रा जाएगी। हमारे 6 रथ सभाएँ आयोजित की जाएंगी, 8 बड़ी सभाएँ आयोजित की जाएंगी और 84 स्थानों पर यात्रा का भव्य स्वागत होगा। इस तरह से इन 3 दिनों में हमारी यात्रा सभी 8 विधानसभाओं को कवर करते हुए रीवा जिले में 206 किलोमीटर का मार्ग तय करेगी। इस यात्रा के माध्यम से हम इन 4 सालों में पार्टी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के दम पर हम जनता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा में प्रथम दिवस हमारे प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी और उनके साथ ही हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय कटिक जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी रहेंगे। द्वितीय दिवस हमारी यात्रा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में 2 बार अध्यक्ष रहे और केंद्र के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते जी और स्थानीय नेताओं का उसमें प्रतिनिधित्व होगा। इसके साथ ही समय समय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों का भी सभाओं में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस तरह भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा 3 दिवस रहकर आगे सीधी में प्रवेश। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।